स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई बहनों के ब्रा के पैटर्न और ब्रा की कटिंग स्टिचिंग के कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर 40 साइज के लिए ब्रा के कटिंग पैटर्न की कटिंग और ब्रा का जो कप सब वो बनाना बता रही हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग अपने घर पे आसानी से बना पाएँ। ये मैंने लिया, आप देख सकते हैं 9.5, ये स्क्वायर में भी 9.5 ही है। तो ये हम पैटर्न लेंगे एक 9.5 स्क्वायर 9.5 का, ठीक है। इसको क्या करना है, सबसे पहले, वैसे तो आपने मेरी वीडियोज़ देखे हैं तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने इसको ट्रेंगुलर शेप में कर दिया। ये जो शेप होता है ये होता है ट्रेंगुलर शेप, ठीक है ना। ये हो गया इसका हाफ आर्म। अब हमें क्या करना है, इसके बिल्कुल 1 इंच नीचे एक पॉइंट लगाना है, क्योंकि हम पहले ऊपर का पार्ट्स कटिंग करते हैं। ऊपर के पार्ट्स के लिए जो हाफ होता है ना, इसे 1 इंच नीचे एक पॉइंट लगाया है और इस पॉइंट्स को हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो ये हो गया हाफ, ठीक है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना देना है। तो जैसे हमें ब्रा की टोटल लेंथ कितनी चाहिए, ब्रा की टोटल लेंथ चाहिए हमें 8 इंच जैसे मान लीजिए। तो हम इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर लेंगे हम 6.5 इंच। ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे 0.5 इंच का, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से कर लेंगे, ये हो गया हमारा इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। और इस तरफ भी इसको 0.5 इंच इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। अब हम इस तरफ में ऊपर लेंगे 2.5 इंच, इस तरफ में ऊपर लेंगे 2.5 इंच, ठीक है। एक साइड पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है और एक साइड पे हमें नेक लाइन ड्रॉ करनी है। करना क्या है आपको, ये जो 2.5 इंच का पॉइंट है इससे 1 इंच नीचे एक पॉइंट लगा देंगे इस तरफ, और 1 इंच नीचे पॉइंट लगा देंगे हम इस तरफ। एक इस तरह से लाइन खींच लीजिए और एक इस तरह से भी ये लाइन खींच लीजिए। ये 1 इंच नीचे का पॉइंट है, ये 1 इंच नीचे का पॉइंट है। अब ये जो पहले दोनों वाले पॉइंट है इनको हम इस तरह से मिला देते हैं, इसके अंदर नीचे वाला जो सेंटर पॉइंट है उसके अंदर हम इसको मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया है, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको हमें इस तरफ मिलाना है, ये वाले पॉइंट को इस तरफ मिलाना है। तो एक तरफ आपको आर्म होल का ड्रॉ करना है, जैसे देखिए इस तरफ मैंने ये आर्म होल के लिए ड्रॉ कर दिया है। ये हमारे आर्म होल की हम गोलाई दे देते हैं, ये हमारी आर्म होल की साइड हो गई है। इस तरफ होगी हमारी नेक लाइन, इसको हमें इस तरह से मिलाना है। ये मैंने इसको इस तरह से मिला दिया क्योंकि हम वी नेक चाहते हैं, तो ये वी नेक आसानी से हो जाएगा। तो ये होगी नेक लाइन साइड, ये होगी ये आर्म होल साइड। अब हम ऊपर वाले पैटर्न को कटिंग करेंगे, उससे पहले ये जो राउंड है ना इसको हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पैटर्न हमने कितना लिया था, 9.5 का, 9.5 का आधा 4.5 इंच। तो ये मैंने 4.5 में यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर बिंदु पे 4.5 इंच का ये पॉइंट रख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आता है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से कर देंगे, ये थोड़ा तिरछा आएगा इस तरह से, इस तरह से आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से थोड़ा, जैसे यहाँ जो पॉइंट है ना, तो यहाँ से थोड़ा कम आता है, ठीक है। और इस तरफ पे भी हम 4.5 का एक पॉइंट लगाएंगे, ये यहाँ पे आता है, तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं। अब ये वाला हम पैटर्न कटिंग कर लेते हैं। तो ये पैटर्न होगा आपके लिए 40 साइज के लिए ब्रा बनाने का। मैं सोचती हूँ कि सभी को समझ में आए, और एकदम से इजी जो तरीका है पैटर्न बनाने का वो मैं आपको बता रही हूँ। अब आप नेक लाइन को चाहे ना, ये जो नेक लाइन है यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है, एक नेक लाइन को चाहे तो आप इस तरह का वी भी बना सकते हो, थोड़ा सा और
इस तरह से राउंड शेप, हल्का सा शेप देते हुए जैसे मैं फिर से इसकी गोलाई लगाती हूँ। ये वी शेप होता है ना, जो वी शेप, वो हमने यहाँ पे शेप लगा दिया है। ये शेप वी वाला शेप है हमारा नेक लाइन का, ये हमारा सेंटर पॉइंट और ये हमारा आर्महोल का गोलाई। तो देखिए ये जो पार्ट्स है वो कटिंग हो गया है, एक ऊपर का पैटर्न, ठीक है। नीचे के पैटर्न के लिए ये मैंने लिया पेपर और ये कितना है आपको चेक करके बता देती हूँ। ये मैंने लिया है 4.5 स्क्वायर 9.5 का, ठीक है। वो तो जो अपने ऊपर वाला पार्ट्स लिया था ना, इसकी चौड़ाई तो उतनी होगी 9.5, और जो इसकी लंबाई है वो हमने 4.5 इंच रख ली है। अब इसको क्या करना है, देखिए इसका एक सेंटर पॉइंट निकालना है। सबसे पहले आपको इस तरह से डबल किया, ये इसका सेंटर पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट का बिंदु लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगा देते हैं। और अब हम इस तरफ से 2 इंच ऊपर, इस तरफ से भी 2 इंच ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे। और ये जो पॉइंट हमने लगाया है ना 2 इंच ऊपर, इस पॉइंट्स को हमें इस तरह से फ्री हैंड से गोलाई देते हुए ऊपर सेंटर पॉइंट में मिला देना है। सेंटर पॉइंट में मिलाया, फिर हम नीचे आ जाएंगे, फ्री हैंड से ही इसकी हम गोलाई देते हुए इसको नीचे आ जाएंगे। ये दोनों हमने पैटर्न ऊपर का बना लिया है। अब नीचे के पैटर्न के लिए हमें इस तरह से आना है। देखिए यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हमें ब्रा की चौड़ाई कितनी चाहिए। तो आगे बटन वाली बना रहे हैं तो हम ले लेंगे 7 इंच। तो देखिए 3.5 इंच इस तरह पॉइंट लगाएंगे और 3.5 इंच इस तरह पॉइंट लगाएंगे, ये टोटल हो गया 7 इंच का, ठीक है। अब ये जो गोलाई है ना, ये गोलाई हमारी इसके जितनी होनी चाहिए बिल्कुल बराबर में। तो ये टोटल है 9.5 इंच, तो इसको भी हम 9.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ से हम जांच लेते हैं इसको, ये हो गया है 9.5 का आधा 4.5 इंच, और इस तरफ में भी इसको 4.5 इंच पे एक पॉइंट लगा देते हैं, ये हो गया 4.5 इंच का। अब ये जो दोनों पॉइंट्स है इसको आपको ऐसे मिला देना है। इस तरह से आप किसी भी साइज़ के लिए पैटर्न कटिंग कर सकते हैं। वैसे मैं आपको हर साइज़ की वीडियो जो है वो अवेलेबल कराऊंगी कटिंग और सिलाई की, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये हो गया नीचे का पैटर्न, तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। और ये आगे हुक वाली है, ठीक है ना। अगर आपको बैक हुक करना हो तो यहाँ पे आपको 6.5 रखना है। जैसे मैंने 0.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, 7 इंच लिया ना, तो आपको 6.5 ही रखना है। अगर आप बैक का हुक बना रहे हो अपनी ब्रा के लिए तो उस हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। तो अब देखिए ये फ्री हैंड से ही हम इसको कट कर लेते हैं। और ये जो आपकी ब्रा बनेगी 40 साइज के लिए बनेगी। तो ये दोनों पैटर्न हमने यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों पैटर्न्स की मैं आपको कपड़े पे कटिंग बता देती हूँ। ये मैंने टी शर्ट का कपड़ा, ये लाइलक्स का है, थोड़ा बढ़ने वाला है, स्ट्रेचेबल आप देख सकते हो। तो इस तरह के कपड़ों का आप यूज कर सकते हो, जो घर में वेस्टेज पड़े हो उनसे आप ब्रा इजीली से बना सकते हो। डबल में रखेंगे, देखिए इस तरह से डबल फोल्डेड है और एक पार्ट्स को बराबर में इस तरह से कोई भी पिन से ऐसे लॉक करेंगे और बिल्कुल बराबर में इसके कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने दोनों पैटर्न डबल डबल पार्ट्स में कटिंग कर लिए हैं, नीचे दो दो पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हम इसे इस तरह से खोलेंगे। पहले अपने पैटर्न्स को हमें जोड़ लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उपचुक हो जाता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, पैटर्न्स को कटिंग कर लिया, इसको इस तरह रखेंगे। एक पार्ट्स ये हमारा इस तरफ है तो दूसरे वाले नीचे वाले को इस तरफ रख दिया, ठीक है ना। अब ये दोनों ये देखिए जो नेक लाइन है वो अपनी साइड में आ गई ना, गोलाई उस तरफ आर्महोल की चली गई। इसी तरह से इस वाले पार्ट्स को ऊपर वाले को नीचे वाले को इस तरफ रख देते हैं और इनको आपस में जोड़ लेते हैं। इनका इस तरह से सेंटर बिंदु बना लेते हैं, जैसे ये वाला इसका सेंटर बिंदु हो गया है। यहाँ पे हल्का सा कट लगा देते हैं, इसको फिर से इसी तरह से ओनी साइड में, फिर इसको ऐसे डबल करके फिर ये सेंटर बिंदु बना लेते हैं, ठीक है। और अब हम इसको इसके ऊपर रख करके, इसको इसके ऊपर रखेंगे सेंटर बिंदु को सेंटर बिंदु पे,
और एक सिलाई इसकी इस तरफ लगा देंगे, इस तरफ जोड़ देंगे और इस वाली साइड को हम इस तरफ में बराबर में जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे गोलाई है तो जोड़ेंगे ना तब भी ये अच्छे से जुड़ पाएंगी। इस तरह से हमें इसको बराबर में ऐसे बिल्कुल जोड़ देना है। तो इस पॉइंट से इस तरफ एक सिलाई और इस पॉइंट से इसको इस तरफ बराबर करके एक सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरह से इस पार्ट्स को इसके ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने एक एक सिलाई इस पे लगा दी है और अब हम इसको खोलते हैं। इस तरह से आपका जो ये पैटर्न बनेगा इस तरफ का और ये है इस तरफ का, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको आगे से देखते हैं जहाँ पे हम हुक और आई लगाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये हमारी नेक लाइन है इस तरफ की और इस तरफ की, ठीक है। और अगर इस तरह से बराबर नहीं हो तो आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो, आगे पीछे हो, तो इस तरह से बिल्कुल बराबर में कर ले, ठीक है। अब इस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से ये थोड़ा सा सही नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे कि सही करने के लिए, क्योंकि कोई पार्ट्स थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कटिंग में हो जाता है या फिर सिलाई में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से इसको बराबर कर लेते हैं, बराबर है। और इस तरफ की जो साइड है वो भी थोड़ी सी तिरछी है, सही नहीं है, तो इसको भी हम बराबर कर लेते हैं। तो ये मैंने सीधा कर लिया इसको, ठीक है। अब हम दो कप्स तैयार होने के बाद हम एक यहाँ पे हुक और यहाँ पे आई की पट्टी लगा लेते हैं, फिर नीचे एक पट्टी लगा करके उसको अंदर की ओर फोल्ड कर देते हैं। तो पहले हुक और आई की पट्टी लगाते हैं। देख सकते हो एक साइड पे मैंने ये आई की पट्टी लगा दी है और इस साइड पे मैंने हुक की पट्टी लगा दी है। अब हम इस तरह से देखेंगे और बिल्कुल सिलाई के बराबर में सिलाई को ऐसे यहाँ पे बिल्कुल आमने सामने रखेंगे और इसके बाद में हमें नीचे की पट्टी लगानी है। और मैंने आपको बताया नहीं, इस पर भी मैंने जो ये है ना, यहाँ पर मैंने दो सिलाई लगा दी है ऊपर की तरफ में, ताकि जो आपका कप है वो बहुत ही बढ़िया दिखे। ये देखिए, तो कप इसे जो ऊपर वाली सिलाई आती है इसे कप की फिनिशिंग आती है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने लिया ये कॉटन का कपड़ा, यहाँ पे लगाऊँगी इसके नीचे इस तरह से एक सिलाई और फिर इस पट्टी को मैं नीचे की ओर ऐसे फोल्ड कर दूँगी। जैसे इसे स्टिच किया फिर ऐसे इसको नीचे की ओर अंदर की ओर ऐसे फोल्ड कर दिया। इस तरह से हम यहाँ पर पट्टी लगा देते हैं इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। तो दोस्तों, मैंने ये हुक की और आई की पट्टी लगाने के बाद इसको नीचे से भी फोल्ड कर दिया है, इसको भी नीचे से फोल्ड कर दिया। यहाँ पे मैंने कॉटन का कपड़ा लगाया है और इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया है। अब देखिए, ये जो नेक लाइन है और ये मैंने आपको बताई दिया कि मैंने इस पर डबल सिलाई कर दिया। ये देखिए, इस तरह से डबल स्टिचिंग है ये, ठीक है। और अब हमें मेरे पास ये लेस है, अगर आपके पास लेस नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करके और ऐसे एक फोल्ड और करके पूरी ऐसे फोल्डिंग कर लेनी है। इस तरह से आपको इसको फोल्ड कर लेना है आगे से, ठीक है। मेरे पास लेस है तो मैं इसको सीधा लेस ही लगा रही हूँ। तो मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ से इस लेस को ऐसे अटैच करना है, मैं लेस को अटैच करके एक सिलाई से फिर इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँगी, तो लेस जो है वो इस तरह से आ जाएगी बाहर, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ से लेकर के लेस को यहाँ तक सेंटर तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मुझे इसको स्टिच करना है। दोस्तों, मैंने लेस लगा करके इसको फोल्ड कर दिया है, स्टिच कर दिया, फिर फोल्ड करके ऊपर की सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी बेक पट्टी तैयार करेंगे। बेक पट्टी के लिए इस तरफ की जो साइड है वो देख लेते हैं। ये है 2.5 इंच की, 2.5 इंच की इस तरफ की साइड है और 2.5 इंच की भी इस तरफ की साइड होगी। यहाँ पर सिलाई होने के बाद यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये आएगी 2.5 इंच की। तो यहाँ पे हमें 2.5 इंच की तैयार पट्टी चाहिए, तो ये सीम में चला जाएगा। यहाँ से हम इसको 2.5 इंच तक ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। 2.5 इंच के बाद ये जो टोटल पट्टी है ये है 9.5 इंच की। इस तरह से आप देखिए, ये है 9.5 इंच की। एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे या फिर हम सिलाई में दबा देंगे, ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है। अब ये यहाँ से हैं, इसको हम यहाँ से रखेंगे 1 इंच की, थोड़ा सा सिम का एक्स्ट्रा ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता है, हम चौक से मैप कर देती हूँ। यहाँ से इसको मैं इस तरह से, देखिए इस तरह से
इस बेल्ट को करूँगी। ये हो गया, अब आप देख सकते हो मैं आपके सामने कटिंग कर लेती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गई, ये हमारा बेक पार्ट्स की दोनों जो है वो पट्टियाँ होंगी। बीच से मैं कट कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो इसके साथ लाइनिंग का पार्ट्स लगा दे सकते हो, नहीं तो इसको आपको क्या करना है, ये जो ऊपर की साइड है इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक सिलाई लगा देंगे, फिर इस तरह से यहाँ से भी इसको फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। और अगर आपके पास लेस है तो आप लेस लगा करके और इसको फोल्ड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इस तरफ से, यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया है और इस तरफ से लेकर के यहाँ तक इसको फोल्ड कर दिया है। अब हम दोनों को यहाँ पे एक स्टिचिंग लगा देते हैं, पट्टी को यहाँ से जॉइंट कर देते हैं, यहाँ से जोड़ लेते हैं। तो ये मैंने पट्टी को यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। अब एक ब्रा का एक पार्ट्स लेंगे हम, ठीक है, और इस ब्रा के इस पार्ट्स को हम यहाँ पे स्टिच कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे एक पार्ट्स हो गया है और ये जो दूसरी साइड है इस पे हम ब्रा का दूसरा पार्ट्स लेंगे, यहाँ पे रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इसको अटैच करके ऊपर वाली एक सिलाई भी लगा दी है, इस तरफ भी और इस तरफ भी मैंने इसको अटैच करके ऊपर वाली सिलाई भी लगा दी है। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये 13 इंच के दो इलास्टिक लिए हैं, एक इलास्टिक को हम यहाँ पे लगाएंगे और एक इलास्टिक को हम यहाँ पे लगाएंगे। दोनों स्टिच कर लेते हैं। पहले का एक पार्ट्स मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और अब मैं इसको इस तरह से इसका जो मिडिल सेंटर है पट्टी का यहाँ पे स्टिचिंग ले लेंगे, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ, और यहाँ पे हम इसको एक स्टिचिंग ले लेंगे। जैसे देखिए इस तरफ मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर लिया है, इलास्टिक का एक हिस्सा ऊपर यहाँ पे और इलास्टिक का एक हिस्सा मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। तो ये बिल्कुल से रेडी है, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कप बन करके तैयार हुआ है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, तो टोटल ब्रा जो है वो रेडी हो गई है। तो आप इस तरह से इसके हुक और आई लगा करके और आप इसे आसानी से पहन सकते हैं। घर पे बनी हुई बहुत ही खूबसूरत ब्रा जो है वो रेडी हो गई है, इस तरह से आएगी। ये बेल्ट इस तरफ होगा और ये जो इसका बेल्ट है वो इस तरफ होगा। तो दोस्तों ब्रा बन करके रेडी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।